प्रेग्नेंट हैं दीपिका पादुकोण। शादी के 5 साल बाद आने वाला है घर में नन्हा मेहमान। 38 की उम्र में पापा बनने जा रहे हैं रणवीर सिंह। तो क्या प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में है एक्ट्रेस? नहीं नहीं, ये सारे सवाल हमारे नहीं बल्कि उन लोगों के हैं जिन्होंने बॉलीवुड की मस्तानी और फाइटर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की इन लेटेस्ट तस्वीरों को देखा है, जिन्हें देखने के बाद ये दावा सोशल मीडिया की दुनिया में किया जा रहा है कि शादी के 5 साल बाद अब मिसेस सिंह प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द ही पहली बार अपने माँ बनने की खुशखबरी फैमिली और फैंस को सुनाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, दीपिका की तस्वीरों के सामने आते ही ये खबरें आग की तरह फैल रही हैं कि एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में है। और ये तस्वीरें हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स के दौरान की हैं, जिसमें दीपिका ने इसी साल अपना डेब्यू किया है। बीते रविवार को आयोजित हुए बाफ्टा में हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के बीच दीपिका पादुकोण भी प्रेजेंटर के तौर पर नजर आई थी और उन्होंने रेड कारपेट पर अपने देसी लुक से खूब जादू भी चलाया था, जिसके चलते एक्ट्रेस के ट्रेडिशनल लुक के चर्चे भी दुनिया भर में हो रहे हैं। तो वहीं इस लुक की वजह से उनके प्रेग्नेंट होने की बातें भी अब जमाने की अटेंशन को जमकर ग्रैब कर रही हैं। दरअसल दीपिका इस अवार्ड शो के लिए फेमस इंडियन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की शिमरी साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। बैकलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। तो अब दीपिका के इस लुक की इन्हीं पिक्चर्स के वायरल होने के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और वो साड़ी से बेबी बम्प को छिपाए हुए हैं। तभी तो एक शख्स ने कहा, मुझे लग रहा है कि दीपिका प्रेग्नेंट है। एक और ने कहा, उनका बेबी बम्प विजिबल है और उनके हाथों का पोज काफी कुछ कह रहा है। और ना सिर्फ यही बल्कि दीपिका पादुकोण के करीबी सोर्स ने यह भी बताया है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इस मामले में एक्ट्रेस के क्लोज सोर्स ने बताया कि हाँ, दीपिका प्रेग्नेंट है, वो दूसरे ट्राइमेस्टर में है। अब जहां इस सोर्स ने ये दावा किया कि दीपिका सचमुच मां बनने जा रही हैं और इस वक्त उनकी प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, वहीं दीपिका और रणवीर की तरफ से अभी ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दीपिका की प्रेगनेंसी की अटकलें मीडिया में लगाई गई हों। इससे पहले भी कई बार उनके प्रेग्नेंट होने के दावे मीडिया में किए जा चुके हैं। तो एक हालिया इंटरव्यू में खुद दीपिका ने मदरहुड अपनाने की प्लानिंग के बारे में बात की थी। तब दीपिका ने कहा था, रणवीर और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपना परिवार शुरू करेंगे। बहरहाल अब क्या ये खबरें वाकई सच हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर से दोनों स्टार्स के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।